नमस्कार दोस्तों, जयनी पिकल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आपके सामने हूँ एक और नई पिकल रेसिपी के साथ। गार्लिक पिकल, लहसुन का अचार। गार्लिक खाने में जितना टेस्टी है उसके हेल्थ बेनिफिट्स उससे भी ज्यादा है। तो आइए आज हम बनाते हैं गार्लिक पिकल लहसुन का अचार। आइए देखते हैं लहसुन का अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने ये एक बाउल लहसुन लिया है, इसका वेट करीब 100 ग्राम के करीब होगा और इसको हमने अच्छे से छील लिया है। उसके बाद ये मस्टर्ड ऑयल, इसको हमने बॉईल किया है और उसके बाद ठंडा कर लिया है। आइए देखते हैं हमें कौन कौन से मसाले चाहिए इसके लिए। आधा चम्मच मेथी, एक बड़ा चम्मच राई, एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच या इसको दो चुटकी हींग, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच ये गुड़, इसको हमने क्रश कर लिया है, एंड आधा चम्मच पीली सरसों। मेथी, राई, सौंफ, इन सबको मैंने पहले रोस्ट किया है, उसके बाद फिर इनको पीसा है। तो आइए लहसुन का अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहसुन के जो बड़े बड़े पीसेस हैं उसको इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने गार्लिक के ये पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। ये एक बड़ा चम्मच सौंफ, इसमें हम मसाले ज़्यादा डालते हैं इसलिए, और इसका जो वेट होगा सौंफ का वो 10 ग्राम के करीब होगा। 100 ग्राम अगर आपका लहसुन है तो उसका 1/10 पार्ट आपने सौंफ लेना है और 1/10 पार्ट ही आपने राई लेनी है। 100 ग्राम के साथ 10 ग्राम राई, आधा चम्मच मेथी, 5 ग्राम के करीब वेट होगा इसका, और आधा चम्मच कलौंजी, एक चम्मच अमचूर, आधा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च। और ये अचार हमें तीखा ही अच्छा लगता है इसलिए ये तीखी लाल मिर्च है और हमने एक बड़ा चम्मच लिया है। दो चुटकी हींग। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, ये हमने गुड़ लिया है और इसको हमने क्रश कर लिया है, इससे एक बहुत ही अलग तरीके का टेस्ट आता है इसमें। और ये है पीली सरसों, येलो मस्टर्ड सीड, और इसको हमने पीसा नहीं है, इसको हम इसी तरीके से डालेंगे इसके अंदर, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल इसमें इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल इसमें इसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये अचार मस्टर्ड ऑयल में डूबा रहना चाहिए, वरना ये अचार खराब हो जाता है। हमने 5 चम्मच इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये अब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इसके बाद हमने एक कांच का जार लिया है और उसको बिल्कुल धूप में सुखा लिया था, जिससे कि बिल्कुल भी उसके अंदर कोई भी पानी नहीं रहना चाहिए। और हल्का सा उसमें हमने ऑयल डाल के इस तरीके से उसको चारों तरफ घुमाएंगे और फिर हम इस पिकल को इस जार में डालेंगे। तरीके से और इसको अच्छे से दबा देंगे, जैसे कि ये देखिए, ये अगर हम इसको दबाएंगे तो ये ऑयल जो है वो उसके बिल्कुल ये देखिए ऊपर आ रहा है। और अब इसको बंद करके रख देंगे और 4 से 5 दिन तक हमने इसको डेली 1 घंटे के लिए धूप में रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस गार्लिक पिकल को धूप में रखे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। अब हम इसको खोल के देखेंगे कि हमारा पिकल रेडी है या नहीं। बिल्कुल, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये गार्लिक पिकल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए दोस्तों, गार्लिक पिकल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो
तो लाइक करना तो बनता है ना दोस्तों, तो आप हमारी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।